नीति आयोग ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा में, कृषि में अच्छा काम कर रही है, लेकिन महत्वाकांक्षी जो जिले हैं उसमें और सहयोग मिले इसको लेकर हम लोग पक्षधर हैं। लेकिन उन्होंने एक आरोप को भी खारिज किया है कि अपेक्षित सहयोग जो केंद्र से नहीं मिलने की बात है, बोला ऐसा कोई बात नहीं है, केंद्र से पूरा सहयोग। ऐसा है, हम जो बोलते हैं सोच के बोलते हैं, सरकार हम अकेले नहीं, अपेक्षित सहयोग जब बोलते हैं तो हम कहते हैं कि GST में जो कंपनसेशन मिलना चाहिए हमको समय पर वो नहीं मिलता है, सरकार सहयोग नहीं मिलता, सरकार राज्य सरकार को सहयोग नहीं करती समय पर कंपनसेशन नहीं दे करके, जिससे हमारे काम में बाधा आती है, पैसे नहीं है खर्च कैसे करेंगे हम। जब हम कहते हैं कि हमारे राज्य में सरकार को कोल इंडिया लगभग 13,000 एकड़ जमीन ली, हमको मुआवजा नहीं दिए हैं, मुआवजा का रकम बनता है 65,000 करोड़ से ज़्यादा, तो हम कहते हैं कि सहयोग नहीं कर रही है केंद्र सरकार। हमको पानी का पैसा मिलना चाहिए, पानी सरकार जो लेती है विभिन्न कंपनियां भारत सरकार की, लगभग 9,000 करोड़ से ज़्यादा बकाया है, नहीं देती है सरकार, तब कहते हैं कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं करे। बात को समझिए, वो भी समझें आप भी समझें, कहाँ हम कहते हैं जो ग्रांट मिलता है सेंट्रल ग्रांट, जो शेयर मिलता है 41% के हिसाब से वो मिलता है, उसको कैसे कह सकते हैं कि नहीं वो सहयोग करती है। जहाँ नहीं सहयोग हो रहा है केंद्र सरकार द्वारा वहाँ हम बोलते हैं। बीजेपी कह रही है कि 2014-15 से देखिए, 14 से 15, 16, 17, 18, 19, मैं देखिए वो क्या कहते हैं बीजेपी हमको मतलब नहीं है। हम जो कहते हैं कि सहयोग केंद्र सरकार नहीं कर रही है, जो हमने गिनाया कुछ को, सबको नहीं गिनाया, कुछ को गिनाया, हम उस पर कहते हैं ना। वो तो कहे आउटस्टैंडिंग के मसले पर मुख्यमंत्री से बातचीत हुई, ठीक है जब होगी मिल जाएगा तो ठीक है, तो फिर बोलना बंद कर देंगे हम भी। तो क्या रामेश्वर उरांव की इच्छा स्पेशल स्टेट के तौर कोई नहीं, स्पेशल नहीं दीजिए ना 65,000 करोड़ का है, स्पेशल दीजिएगा आप, हमारा जो बकाया वही दे दीजिए ना, 9,000 करोड़ पानी का दे दीजिए, वाटर ड्यूटी चार्ज, हम कहाँ कहेंगे आपको कि स्पेशल पे दीजिए, हमको हमें कोई इरादा नहीं है, हमको आप जीतने देते हैं जो हमारा ड्यूज है उसी को दे दीजिए ना, इसके बाद हम बात करेंगे। सर आप लोग आप जाते नहीं, अब हमको काम है। पेंशन नीति पे आप बार बार बोलते थे, वर्तमान में आज सदन में आया जब आपकी उस पर कोई विचार नहीं है सरकार का, आप ही की सरकार राजस्थान। अभी क्वेश्चन बाकी है, मुझे बोलना है, छोड़ दीजिए इसको अभी।